आज है 4 अगस्त 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 27 जिलों में चलेगा बड़ा अभियान, 6 करोड़ लोगों को दी जाएंगी दवाएं। प्रदेश में 10 अगस्त से शुरू हो रहे संवर्जन दवा सेवन अभियान में 6 करोड़ 69 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। ये दवा फाइलेरिया से बचाव के साथ साथ पेट से कीड़े निकालने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक साबित होती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज और महिला कल्याण विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है। एनसीआर में आएगी रोजगार की बहार। जेवर एयरपोर्ट के पास 760 हेक्टेयर में बसेंगी जापानी कोरियन सिटी। एनसीआर में अगले कुछ सालों में रोजगार की बहार आने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए जापानी और कोरियन सिटी विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रत्येक को एक सेक्टर समर्पित किया जाएगा। सेक्टर 5A में जापानी जबकि सेक्टर 4A में कोरियन शहर बसेगा। इन सेक्टर को विकसित करने के लिए प्राधिकरण किसानों से सीधे 1700 एकड़ से अधिक जमीन की खरीदी करे। तेजी से हो रहा यूपी में विकास, कैग रिपोर्ट के आंकड़े जारी। करीब 2 साल कोरोना से सब कुछ प्रभावित रहने के बावजूद 2018-19 से 22-23 तक यूपी औसतन 9.69% की दर से विकास की रेस में शामिल है। यूपी के विकास की ये दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक बताई जा रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यूपी के विकास दर के आंकड़े दिए हैं। विधानमंडल में पेश सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी विकास दर 18-19 में 15,82,180 करोड़ रुपए था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 22,57,572 करोड़ रुपए हो गए। अयोध्या कानपुर में बनेंगे रिंग रोड, सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 4 लेन की रिंग रोड परियोजना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में 50,655 करोड़ की लागत की 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए 6 लेन की आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन अयोध्या रिंग रोड और 6 लेन कानपुर रिंग रोड की मिली मंजूरी प्रदेश के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली। आकुम 2025 से पहले बसेस खरीदने की तैयारी में जुटा यूपी रोडवेज, इतना बजट आवंटित। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कुंभ से पहले नई बसेस खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। इसमें कुछ प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। बैठक में ये जानकारी ली गई कि अगले 5 महीने में कौन निर्माता कंपनी कितनी बसें बनाकर दे सकती है। बिजनेस में डूबी उधारी निकलवाएगी सरकार, फीस देकर कर सकते हैं आवेदन। यदि आपकी इकाई सरकार के उद्योग विभाग में बतौर सूक्ष्म या लघु उद्योग की श्रेणी में दर्ज है, आपकी इकाई ने माल की आपूर्ति तो कर दी लेकिन 1.5 महीने में भी भुगतान नहीं मिला, घबराइए नहीं। एमएसएमई समाधान पोर्टल पर आवेदन कर दें, तय प्रक्रिया को पूरा करें, औपचारिकताओं के लिए जरूरी सभी कागजात लगा दें, आपकी डूबी हुई रकम तो निकल आएगी। अब तक ये फैसिलिटेशन काउंसिल मंडल के 205 उद्यमियों के 35 करोड़ रुपए की वसूली करा चुका है। भाजपा सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी, लखनऊ सपा कार्यालय पर लगा विवादित पोस्टर। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया। इस विवादित पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बताया गया। सपा नेता प्रवेश रावत द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिखा है। होर्डिंग में लिखा गया कि गोमती नगर घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 वर्गों का उल्लेख किया है। एमबीबीएस और एमडी वाईएमएस कर रहे छात्रों को यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत। यूपी सरकार ने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी। योगी सरकार ने ऐलान किया कि विभिन्न सरकारी, स्वायत्त और प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में बताया कि राज्य सरकार ने सीट छोड़ने को लेकर बनी बॉन्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया है। पीएचयू में दाखिले के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ी, सीयूईटी स्कोर से मिलेगा एडमिशन। बीएचयू में स्नातक प्रवेश पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिन का और समय मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीकरण की तिथि 5 से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी। इसी के साथ शाम 6 बजे से फीस जमा करने के लिए पेमेंट गेटवे भी खुल गया है। सीयूईटी यूजी में सफल छात्र अब तक
10 तक आवेदन के बाद 12 अगस्त तक अपने फॉर्म में संशोधन कर सकेंगी। एडवांस पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम से लैस होगी नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन। उत्तर प्रदेश को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने नोएडा में मेट्रो एक्वा लाइन को एडवांस पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले से स्थापित इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह नए सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। नोएडा के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गेझा और तिलपताबाद के साथ अन्य गांवों के अपात्र किसानों को मुआवजा देने में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर असंतोष व्यक्त किया। वर्तमान विशेष जांच दल की रिपोर्ट में केवल 2 याचिकाकर्ताओं की भूमिका की जांच की गई, जबकि अन्य अधिकारियों की भूमिका की अनदेखी की गई। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई SIT गठित करने का आदेश दिया और इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। अयोध्या जौनपुर रेप की घटना के बाद अखिलेश यादव ने की DNA टेस्ट की मांग। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक रेप जैसी जघन्य घटना के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पहले अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप और अब जौनपुर में बीजेपी नेता की बेटी के साथ चलती गाड़ी में दुष्कर्म की घटना सामने आई। इसको लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हमला बोला। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस तरह के आरोपियों का DNA टेस्ट कराने तक की मांग कर 15 साल में प्रमोशन का इंतजार। यूपी में बेसिक शिक्षकों को 1.5 साल से मिल रही सिर्फ तारीख पर तारीख। प्रदेश के बेसिक शिक्षक वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसके बाद भी तारीख पर तारीख मिल रही है। 1.5 साल में विभाग अभी तक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं कर सका। बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में एक बार फिर से 27 जुलाई तक सभी BSc से वरिष्ठता सूची मांगी थी, लेकिन अभी किसी जिले ने जारी नहीं की। यूपी में 13 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। अवार्ड्स में नहीं होगी भीड़, परिजनों के लिए पास सिस्टम लागू। झांसी मेडिकल कॉलेज में रोगियों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब से मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भर्ती होने वाले रोगियों के परिजनों को पास लेना होगा। ये फैसला वार्ड में भीड़ कम करने और रोगियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लिया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सभी 208 CCTV कैमरे भी चालू कर दिए गए। रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा। गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच 2 नई स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने गोरखपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच 2 नई स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का फैसला लिया। ये दोनों ट्रेन झांसी से होकर गुजरेंगी, जिससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यूपी रोडवेज का नया ऐप, ट्रेन की तरह बसेस की भी घर बैठे मिलेगी लोकेशन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अब 3 ऐप के बजाय सिर्फ 1 ऐप होगा। तीनों ऐप को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। इनको इंटीग्रेट करके एक नया सुगम ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप से यात्री घर बैठे ट्रेन की तरह ही बसेस की लोकेशन ले पाएंगे। इसके अलावा ड्राइवर अगर बीच रास्ते में बस खराब हो गई है तो इसी ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा 8 अगस्त से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा 8 अगस्त से शुरू होगी। कुलसचिव डॉ सुनीता पांडे ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 8 अगस्त से 11 अगस्त तक 3 पालियों, प्रथम पाली सुबह 8 से 10, द्वितीय पाली दोपहर 12 से 2 और एक तृतीय पाली अपराहन 3 से 5 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का प्रवेश पत्र जल्द विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए आसान होंगी रजिस्ट्रेशन की शर्तें। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे को जमीन पर उतारने के लिए पावर कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन की शर्तों को आसान बनाएगा। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सके। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इसमें किसान नेताओं ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। टूटने लगा वाराणसी कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5, 39 ट्रेन डायवर्ट। कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर 86 दिन का ब्लॉक लेकर काम शुरू हो गया। 25 अक्टूबर तक इस प्लेटफॉर्म पर 39 ट्रेन आवाजाही नहीं करेंगी। इन ट्रेन को प्लेटफॉर्म 2, 3 और 4 पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सूचनाएं दी जा रही हैं। कैंट स्टेशन निदेशक और परिचालन अधिकारियों कार्यदायी संस्था के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 5 के कार्यों का जायजा भी लिया।
राम मंदिर ट्रस्ट संयोजन में 20 पुजारियों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक विधि विधान समिति के तत्वावधान में 6 महीने से चलने वाला वैदिक पुजारियों का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। इसमें 20 पुजारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन सभी को एक समारोह में प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही पुजारी की कार्य पद्धति की जानकारी महंत रामानंद दास और महंत मिथिलेश नंदिनी शरण ने दी। भाग्यू चढ़ूनी ने ठाकुर द्वारा पेपर मिल की जमीन को लेकर किया प्रदर्शन, एडीएम सिटी से हुई नोकझोंक। बाकियों ने ठाकुर द्वारा में बिरला ग्रुप के लिए 804 एकड़ अधिग्रहित की गई भूमि को वापस कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बताया कि इस मामले में किसानों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है। आरोप लगाया कि बिरला ग्रुप ने इस मामले में कोई कागजात नहीं दिखाया। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं की एडीएम सिटी से नोकझोंक भी हुई। यूपी में बनेगा तीसरा एक्सप्रेस वे। प्रदेश के तीसरे एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। केंद्रीय कैबिनेट ने आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी। ये एक्सप्रेसवे 4,263 करोड़ रुपए से बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली कार्यालय में 12 अगस्त को टेंडर खुलेगा। 88 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। आगरा से ग्वालियर पहुंचने में 1.5 घंटे लगेंगे। यूपी में नजूल भूमि से किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी बेदखली। प्रदेश सरकार विधानसभा में पास किए गए नजूल विधेयक के तहत किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं करेगी। साथ ही ऐसे पट्टा धारक जिन्होंने लीज्ड डीड का उल्लंघन नहीं किया उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने नजूल विधेयक को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नजूल विधेयक के तहत ऐसी किसी भी भूमि पर जहां के लोग निवास कर रहे हैं अथवा किसी जिसका व्यापक जनहित में उपयोग किया जा रहा है उसे नहीं हटाया जाएगा। फ्रांस से नोएडा तक वायुसेना के लिए गेम चेंजर होगा मिराज 2000 और राफेल का मेंटेनेंस हब। आने वाले दिनों में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके पास राफेल फाइटर जेट हैं। वो इसकी मरम्मत के लिए फ्रांस की जगह भारत आ सकेंगे। भारत ने मेक इन इंडिया की तो बात कही, साथ ही साथ उसका जोर मेंटेन इन इंडिया पर भी है। जैम रॉय यूपी के नोएडा में मेंटेनेंस सेंटर खोलने जा रहा है जहां भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमानों की सर्विस की जा सकेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।